हेलो फ्रेंड्स, तो मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। और दोस्तों, हमारे गेम के अंदर एक नया मोको स्टोर आ गया है, जिसके अंदर से हमें BTS क्रिस्टल मिलने वाला है, जिससे हम बंडल क्लेम कर लेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को स्पिन करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं आप लोग कि मेरा BTS क्रिस्टल टोकन निकलता है या नहीं निकलता है। चलिए मोको स्टोर में सीधे ले चलता हूँ आप लोगों को और दिखाता हूँ कि क्या क्या आया हुआ है मोको स्टोर के अंदर। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, मोको स्टोर में यहाँ पे मैंने ये कट किया और मोको स्टोर में पहले मैं सिलेक्ट कर लिया हूँ BTS टोकन, और दूसरे में इमोट को सिलेक्ट करके कन्फर्म कर लेते हैं और उसके बाद स्पिन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हो मैंने दो आइटम सिलेक्ट कर लिया है और कन्फर्म कर लिया है यहाँ पर। अब स्पिन करते हैं दोस्तों। 9 डायमंड की पहले स्पिन हो रही है, यानी टोटल आपका यहाँ पे अगर लास्ट स्पिन तक जाता है BTS क्रिस्टल तो 1000 डायमंड तो लग जाएगा दोस्तों आप लोगों का। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने स्पिन किया, कुछ नहीं निकला खास। तो यहाँ पे मेरा BTS क्रिस्टल निकलता है या नहीं निकलता है आप लोग देखो स्पिन में आगे। और दोस्तों, अगर जल्द से जल्द आपको निकालना है तो आपकी अगर नई आईडी है तो बहुत जल्द आपका निकल सकता है इसमें BTS क्रिस्टल टोकन। तो आप गलती मत करना, क्रिस्टल को ही सेलेक्ट करना यहाँ पे। और दोस्तों, मेरा नहीं निकलेगा इसमें, मेरे पास उतना डायमंड नहीं था, नहीं तो मैं निकाल लेता। अब मुझे डायमंड की ज़रूरत पड़ रही है। इमोट मेरा निकल चुका है दोस्तों, तो देख सकते हैं आप लोग फाइनली मुझको 79 डायमंड में इमोट मिल चुका है। और अब अगली स्पिन 179 डायमंड की होगी, उसके बाद 499 की होगी दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल मेरे भाई लोग।